फ्रेंड्स पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हमने देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालता है जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालता है और रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये सारे पॉइंट्स देखे थे हमने और उस पर कुछ एग्जांपल भी देखे थे अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हमें तो रेगुलर ट्राइंगल मालूम है ट्रगल तो हम पिछले क्लासेस से हम से सीखते आए स्कूलों में भी सीखते आए तो ट्राइंगल में क्या होता है रेगुलर हमारा ट्राइंगल है मालूम है हमें जिनमें तीन एंगल होंगे और तीन साइड है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि जो साइड है लेंथ है ये देखिए एंगल ए की अपोजिट साइड को हम अपोजिट साइड कौन से है उसकी एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी है तो उसे हम क्या कहेंगे साइड ए कहेंगे एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी है तो उसे हम क्या कहेंगे बी कहेंगे और एंगल सी की अपोजिट साइड जो ए बी है उसे हम सी कंसीडर करेंगे अब ये यही हम याद रखना है ए के अपोजिट साइड ए अपोजिट एंगल टू द बी इज द स्मॉल बी एंड अपोजिट एंगल टू द सी इज द सी आर द लेंथ एंड दीज आर द एंगल ए बी सी ओके बी सी इज इक्वल टू ए लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी and length of ab is equal to c and these are the angle all these parts are called the elements of a triangle okay and any one of the data are given any one of the data that means triangles in the triangle abc angles are given or sides are given or any one of the three data are given there and we wa we want to find the remaining data, then this process is called a solution of triangle. okay ऑफ ट्राइंगल ओके जैसे जो डाटा दिया होगा हमें ट्राइंगल की जो ट्राइंगल का डाटा दिया होगा वो उसके बाद हम वो डाटा यूज करके जो रिमेनिंग डाटा हम सोल्व फाइंड करेंगे हम तो उसे क्या कहेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ओके तो हमें इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा सम स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए तो हमें फर्स्ट रिजल्ट हम देखेंगे दैट विल द फर्स्ट रिजल्ट दैट विल बी द साइन साइन रूल रूल ओके तो हमें क्या कहता है देखिए इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू टू आर ये जो रेशियो है ये हमें साइन रूल कहता है साइन के हिसाब से जो साइन ए एंड ए का साइन बी एंड बी का एंड साइन सी का और सी का और यहाँ पे जो आर है आर क्या है यहाँ पे आर इज सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी दिस विल बी सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ओके तो इसका अभी हम प्रूफ देखेंगे चलिए क्या है देखिए ये ट्राइंगल है हमने एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके साइड ए बी सी है ओके और ए तो इसके अपोजिट साइड ए रहेगी इसके अपोजिट साइड बी रहेगी और इसके अपोजिट सी रहेगी और यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है एडी इस पर पैंडिकुलर ऑन बी लेट एडी इस परपेंडिकुलर ऑन बी सी मिला हमें तो हम इससे क्या कहेंगे जब हम इस पर ट्रिगनोमेट्री अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल एडीसी यहाँ पे देखिए एडीसी ट्राइंगल में जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा फॉर द देंगल सी वी वॉन्ट टू फाइंड साइन रेशो बिकॉज ऑफ वी रिक्वायर्ड हियर साइन रेशो साइन ए साइन बी साइन दैट्स वाई यू वॉन्ट हियर वी गेट साइन सी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू वॉट फॉर दिस ट्राइंगल एडीसी इज द राइट एंगल and this uh, has sine ratio is the opposite of angle C is the AD divided by hypotenuse hypotenuse क्या है इसका AC है तो AC की value हमें क्या दे रखी है यहाँ पे AC is equal to B then AD divided by B तो इसे हम solve करेंगे तो क्या मिलेगा AD is equal to B sin C मिलेगा okay ये वाला हमें बन गया इक्वेशन फर्स्ट बन गया हमारे लिए ठीक है अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी है इसका जो हम एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इन टू हाइट इन टू बेस वी नो द this is the standard formula therefore we get here half into ad is equal to what ad is equal to b sin c and bc is equal to is equal to a this can be written half into ab sin c that will be the area of triangle abc okay we should transpose this we get two times area of triangle abc इज इक्वल टू ए बी साइंसर रिजल्ट फर्स्ट सिमिलरली वी कैन फाइंड ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू यहां पर देखिए कि ए बी के लिए क्या मिला ए बी की ए एंड बी आर यहां पर है और इसका एडजस्ट एंगल कौन सा है सी है इन दोनों का एडजस्टन एंगल सी है तो इसका साइन रेशोल लिया है इसी हिसाब से ए सी का लगेंगे तो क्या मिलेगा ए सी साइन बी मिलेगा और ऐसे सिमिलरली हमें क्या मिलेगा देखिए टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू इस इसे देखिए बी सी का एडजस्टन एंगल ए है तो बी सी साइन ए मिलेगा इक्वेशन सेकंड आ गया और ए इक्वेशन थर्ड आ गया तो इन दो इन तीन इक्वेशन को हम जब कंबाइन करेंगे, तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तीनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बी साइंस ए इज इक्वल टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू बी सी साइन ए रेशो मिल गया हमें तो हम इसे क्या करेंगे कि एबीसी uh, से डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय एबीसी होल इक्वेशन वी गेट एंड वे अरेंज बाय सीक्वेंस साइन ए डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय साइन सी डिवाइडेड बाय ए बी सी अब यहाँ पे देखिए बी सी को बी सी कट गया ए सी को ए सी कट गया और ए बी को ए बी कट गया तो रिमेनिंग बचा क्या है देखो साइन ए डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे साइन बी डिवाइडेड बाय बी बच गया और यहाँ पे साइन सी डिवाइडेड बाय सी बच गए तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था उसका जो दूसरा पार्ट हमें मिल गया अभी हमें क्या दिखाना बाकी रह गया कि इसका वैल्यू टू आर के इक्वल है ये दिखाना बाकी रहेगा ओके तो हम इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे वो तो फर्स्ट वाला इक्वेशन था और तीन रिजल्ट मिल गए थे इक्वेशन सेकंड आ गया अभी हमें क्या दिखाना है कि जो टू आर इज दिसवल टू टू आर दिखाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक सर्कल एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे देखिए हमने एक रफ सर्कल और उसमें जो वही हमारा ट्राइंगल ए बी सी था वो ड्रॉ ड्रॉ किया है इसे हम ए लिए थे ये बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे सर्कल पे ओपी पी एंगल होगा और इसका सेंटर सर्कल का सेंटर अब को लेंगे तो आर क्या दे, दे रखा था हमें सर्कम रेडियस दे रखा था यानी इतना डिस्टेंस क्या है ए डिस्टेंस आर है और ओपी भी डिस्टेंस आर है ए बी आर है और ए बी आर है और यहाँ है, पे मालूम था हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले, ले रखा था अभी ये डायग्राम पे फोकस करते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है कि इनमें से जो ट्रायंगल है एबीसी में इनमें एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी राइट एंगल लेना है तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो क्या है नॉट एंड राइट एंगल ए राइट right एंगल नहीं है ऐसे कंसीडर करेंगे ए को छेड़ के कौन सा साइट एंगल right हो सकता है ऐसे हमने कंसीडर किया है ओके ए ए पे एंगल डिग्री नहीं है तो हमें ये तो हाफ सर्कल में आ जाता है एंगल सी तो हाफ सर्कल में आते जो एंगल होता है वो तो नाइन्टी डिग्री है ये तो मालूम है ये वाला नाइन्टी हो गया टोटली सी वाला ठीक है तब यहां देखिए इस ज्योमेट्री में हमें थोड़ा सा सर्कल के बारे में मालूम है कि सर्कल में क्या होता है जो एंगल जो एंगल सेम अर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं उनका लेंथ और उनके मेजरमेंट एंगल के सेम होते हैं तो यहाँ पे जो एंगल ए बी सी है एंगल ए बी सी एंड एंगल ए पी सी आर इंस्क्राइब्ड इन द अर्ध एसी अर्ध एसी में इंस्क्राइबड है तो इन दोनों के लेंथ क्या आ जाएंगे सेम होंगे ये तो हमें ज्योमेट्री बताती है हमने पढ़ा है ठीक है तो देयर फॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एपीसी बाय द ज्योमेट्री ये हमें मालूम है तो ये जो एंगल इक्वल होंगे तो इनको इनके रेशोज है जो साइन रेशो कॉस रेशो टैन रेशो ये तो सेम हो जाएंगे हमें मालूम है तो हम इसका साइन रेशो लेंगे तो साइन बी इज इक्वल टू साइन सी साइन पी होगा दोनों एंगल के साइन रेशो क्या होंगे इक्वल होंगे ये हमें मिल गया कंक्लूजन ठीक है लेकिन जोमेट्री जो देखे इन ट्राइंगल एपीसी ट्राइंगल में देखा तो क्या मिलता है हमें कि एंगल पी यहां है और थोड़ा सा ये वाली साइड सी है ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड क्या है ए है ये पूरी पूरी, की ठीक है तो साइन पी क्या आ जाता है साइन पी यानी अपोजिट ऑफ द एंगल अपोजिट कौन सी है ए सी है ठीक है तो ए यहां पे अपोजिट ए सी आ गया और इसका हाइपोडीनियस क्या है AP है ठीक है तो ये क्या आ जाएगा टू। टू। अभी सी क्या है हमारे पास बी है और AP का लेंथ कितना होगा AP देखिए यहाँ पे AP हमने क्या लिया है AO प्लस ओपी है तो AP का लेंथ क्या बनेगा टू आर बनेगा ठीक है ज्योमेट्री देर फोर ए टू आर आ गए तो तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो टू आर इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी क्योंकि हमें टू आर की वैल्यू चाहिए थी तो हमें क्या मिली हो बी अपॉन साइन बी मिल गई ठीक है ए इक्वेशन थर्ड हो गया इसी हिसाब से जब हम दूसरे एंगल के ओर लेंगे तो हमें सेम रिलेशन भी दूसरों के लिए मिल जाएगा ए वाला रिलेशन सेम मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन टू है उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी ये आ गया इक्वेशन टू का हमने क्या लिया इनवर्स लिया इनवर्स ऑफ इक्वेशन टू और इन दोन दो इक्वेशन दो का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें बी अपॉन साइन बी की वैल्यू ए है और यहाँ पे बी है तो हमें क्या मिलेगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू टू आर ये मिल गई और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा ठीक समझ आ गया अभी हम उसी पॉइंट पे थोड़े एग्जाम्पल लेकेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री बी इज इक्वल सिक्सटी डिग्री देन यू वॉन्ट टू फाइंड द रेशो ऑफ द साइड्स जो साइड के रेशियो होंगे वो हमें फाइंड करने होंगे ठीक है तो यहां पे क्या दे दिया है देखो हे एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री एंगल बी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी वीनो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू तीनों एंगल की एडिशन कितने आते हैं वन एटी डिग्री आते हैं ये हमें मालूम है तो एंगल ए इज इक्वल टू थर्टी डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सिक्सटी प्लस एंगल सी इज इक्वल इक्वल टू वन ओके तो इनका सम क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा और इन नाइन्टी डिग्री तो मिलेगा राइट right है ठीक है जो रिमेनिंग एंगल था वो हमें मिल गया अभी खाली क्या बचा है हमें रेशो फाइंड करना है देयरफॉर अभी जो रूल देखा था उसका हम यूज करेंगे बाय साइन रूल साइन रूल क्या सा बताता है हमें ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी इनका रेशो है टू आर की यहां पे जरूरत नहीं है इतना भी ले सकते हैं हम बिकॉज ऑफ यू वॉन्ट टू फाइंड हियर रेशोस ऑफ साइड्स आर ओनली ओके देर फोर वी नीड नॉट हियर टू आर अप्लाई द गिवन डाटा Here, a by sine a, sine a is equal to sine 30 is equal to b upon sine 60 plus, uh, sorry, is equal to c upon sine angle c is equal to 90. Then we get sine 30 is equal to 1 by 2, sine 60 is equal to root 3 by 2, and sine uh, sin 90 is equal to 1. Therefore, these are the ratios. A as to B as to C is equal to half as to root 3 half as to 1. Here we should multiply it by 2. The whole equation we get 1 as to root 3 as to 2. This will be the required result. These are the required ratios of the angle. रेशियोज ऑफ द साइड नाउ वी सी द अनदर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू प्रू दैट वी वॉन्ट टू प्रूव ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इन द ब्राकेट साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इन द ब्राकेट साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू जीरो इनकी समीरो आती है यह हमें प्रूफ करना है ठीक है तो हमें साइन रूल मालूम है वी हैव ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी रेशो मालूम है तो इसे हम सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा देखिए थोड़ा सा हम हम इस पर एक रिजल्ट बनाएंगे पहले दो रेशो लेंगे तो क्या मिलेगा पहले दो में से क्या मिलेगा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए मिल गया दूसरे दो लेंगे सेकंड और थर्ड लेंगे तो क्या मिलेगा बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी ये मिल गया और जो फर्स्ट और लास्ट है उनका लेंगे तो क्या मिलेगा ए इंटू साइन सी एज इक्वल टू सी इंटू साइन ए ए मिल गया ठीक है तो ये जो रिजल्ट है इसका हम अभी यूज करने वाले हैं देखिए कैसे करते हैं तो इसका एल एच एस पार्ट हम लेंगे क्वेश्चन का तो एल एच एस में क्या दे, दे रखा है ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी ये दिया है तो हम इसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड करेंगे ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा ए साइन बी मिल गया यहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ए साइन सी मिल गया यहाँ पे बी साइन सी मिल गया यहाँ पे बी साइन ए मिल गया यहाँ पे प्लस का सी साइन ए मिल गया और यहाँ पे सी साइन बी मिल गया तो हम क्या करेंगे रिजल्ट निकाल रहा था और इसका हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ए साइन ए साइन बी ए साइन बी यहाँ पे तो इसका इक्वल क्या है बी साइन है तो बी साइन ए कहाँ पे देखिए बी साइन ए यहां पे है तो ये वाला देखिए ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों भी एक दूसरे के बराबर है तो ये क्या होगा एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा अब नेक्स्ट देखिए कौन सा है बी साइन सी ठीक है तो बी साइन सी हमें कहाँ मिलेगा बी साइन सी यहाँ पे और सी साइन भी देखिए कहाँ पे सी साइन भी यहाँ पे है ठीक है एक वाला प्लस में है और एक वाला माइनस में है तो ये एक दूसरे को कट जाएगा बिकॉज ऑफ बोथ आर इक्वल रह गए ए साइन से a साइन से यहाँ पे माइनस में है और सी साइन यहाँ पे प्लस में है ये भी एक दूसरे को कट जाएगा तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा जीरो आ जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था ठीक है ये भी ऑप्शन में भी, भी ऐसे दे, दे, दे सकते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड कर दीजिए ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इन एंगल डी बी सी इफ़ ए इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू थ्री एंड साइन ए इज इक्वल टू टू बाई थ्री ये दिया है एंड हमें क्या फाइंड करना है बी की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल बी की वैल्यू कैपिटल मीन्स एंगल एंड स्मॉल मीन्स साइड ओके तो हमें साइन रूल मालूम है साइन रूल क्या है ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी तो यहाँ पे देखिए डाटा जो दिया है ए बी में दिया है और साइन ए दिया है और हमें क्या फाइंड करना है बी फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड कितना है हमें खाली ए साइन ए एंड बी साइन बी इतना ही रिक्वायर्ड है हमें इतना लिखेंगे जो डाटा दिया है उसमें सबमिट करेंगे हम पुट करके करने के बाद हमें क्या मिलेगा टू बाय साइन ए कितना है टू बाय थ्री बी हमें थ्री दे, दे रखा है यहाँ पे साइन बी तो इसका क्या हो जाएगा इनवर्सली मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो थ्री बाई टू इंटू टू इज इक्वल टू थ्री बाय साइन बी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए ए टू और ए टू कट जाएगा और यहाँ का थ्री और यहाँ का थ्री कट जाएगा तो हमें क्या मिल गया वन इज इक्वल टू वन बाय साइन बी मिल गया तो हम इसका इनवर्स लेंगे तो क्या मिलेगा साइन बी इज इक्वल टू वन मिल जाएगा तो कौन सा ऐसा साइन है जिसकी वैल्यू वन आती है तो कौन सा है यहाँ पे बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होना चाहिए क्योंकि 90 के आगे तो सॉरी क्योंकि तीनों एंगल के एडिशन कितनी आती है डिग्री आती है तो पॉसिबल कौन सा वैल्यू है 90 है टू सेवेंटी भी हो सकता है साइन बी का लेकिन क्या है वहां सॉरी गलती से बोल गए मैं वहां पे निगेटिव सॉरी तो साइन बी का वैल्यू कौन सा है 90 है ओके थैंक यू